सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:45 और मौसम है आज ख़राब। तो ये देखिए पीछे धुंधी धुंध दिखाई दे रही है, तो अभी बरसात शुरू हो गई है ना। ये देखिए कितनी धुंध है चारों तरफ को। और शाम को हमारे यहाँ पर तो काफ़ी बारिश हुई है, तो आज भी बारिश हो जाएगी। तो हमें अभी धान लगाने के लिए हो जाएंगे, तो तैयारियाँ करने लग गए हैं हम भी। तो अभी हरदीप और उसके पापा गए हैं खेतों में ट्रैक्टर पहुंचाने को, मतलब गांव वाले खेतों में लगाने हैं हमें धान ना। तो ट्रैक्टर छोड़ेंगे वहां पे पहले खेतों में, क्योंकि अभी बारिश नहीं है ना, फिर बारिश में ट्रैक्टर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी थोड़ा सा मौका दिया है भगवान ने, तो तब मैंने बोला कि चलो ट्रैक्टर पहुँचा लेते हैं खेतों में। और मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी क्यारी में, तो मुझे यहाँ पर सब्ज़ी निकालनी है। ढूंढना पड़ेगी मुझे कि सब्ज़ी लगी है या नहीं। वैसे अभी बरसात शुरू हो गई है तो सब्ज़ी तो अब लग ही जाएगी। ये देखिए सब्ज़ियाँ तो यहाँ पर हमने लगाई है काफ़ी। यहाँ पर बैंगन है हमारे, और यहाँ पे शिमला मिर्च है ये देखिए इस तरफ को, और परे है भिंडी हमारी। तो लगने लग गई है थोड़ी थोड़ी, वैसे है तो सब ना। और दो चार सब्जियाँ तो हमने खा भी ली है अपने इन पौधों में से निकाल करके ताज़ी ताज़ी। और इधर लौकी की बेल भी हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है ये देखिए, तो लौकी की सब्ज़ी भी खा ली है हमने। और वहाँ पर बीच में लगने भी लगी है देखिए छोटी सी। और इधर भी है पीछे को हमारी लौकी की बेल। और पिछले साल तो सब्जियों की बड़ी तंगी थी हमें, पूरी बरसात में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, पर इस बार आस है कि बरसात में सब्जी हो जाएगी। तो अभी निकालती हूँ मैं यहाँ पे सब्जी कुछ। और यहाँ पे साग भी काफ़ी है हमारे यहाँ पे। ये देखिए साग के पौधे हैं, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, बाथू बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। तो या तो मैं इसके पत्ते ही निकालूंगी अभी, इसका भल्ला वगैरह या भाजी साग सब कुछ अच्छा बनता है इसका। और लगे तो यहाँ पर बैंगन भी है ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर बैंगन भी लगे हैं, पर अभी ये छोटे हैं ना, तो अभी बारिश हो रही है तो ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखिए अभी इनको रहने देती हूँ, एक दो दिनों में ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और इधर साइड भिंडी भी लगी है, पर भिंडी भी अभी हल्की हल्की है ना, तो भिंडी मैंने निकाली है अभी, कल भी निकाली थी, तो इनको रहने देती हूँ, अभी छोटी छोटी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह की भिंडी लगी है हमारे पौधों में, और ये पौधे तो छोटे छोटे ही है ना। आजकल हर चीज़ का जो है तो हाईब्रिड का बीज तैयार किया होता है ना, तब लग जाती है छोटे छोटे पौधों में सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैं अभी साग के पत्ते ही निकालूंगी, ये भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए साग के पत्ते भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं, नहीं तो यदि ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। तो चलो इनकी सब्जी बना लेते हैं, और सब्जियां बड़ी होने देते हैं थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पे निकाली है मैंने मुट्ठी भर साग की, अब और निकाल लूंगी अभी मैं। और यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च भी लग गई है हमारे, तो शिमला मिर्च की भी सब्जी खा ली है हमने। और साइज अब इनका ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ये देखिए इसमें तो थोड़ी सी हो गई है बड़ी ये यहाँ पे, ये देखिए। तो साग के पत्ते मैं धो करके ले आई हूँ, अब मैं इनको काट लूँगी पहले। तो इन पत्तों को मैंने यहाँ पर काट लिया है, और काटने के बाद मैंने यहाँ पर आटा डाला है गेहूँ का, और इसमें मिर्च मसाला हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया है, तो मुझे इसका भल्ला बनाना है। और लाइट चली गई है, लाइट नहीं है अभी तो रसोई में, थोड़ा सा अंधेरा होता है अगर लाइट ना हो तो। तो यहाँ पे भल्ला बनाने के लिए अभी हमारा ना डो तैयार हो गया है ये देखिए। और यहाँ पे मैंने रख लिया है तवा गैस पे, तो इसको पहले तो मैं घी लगाऊंगी। तो तवा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें मैं बैटर डालूंगी और इसको फैलाऊंगी मैं पूरे तवे में। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे तवे में फैला लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे दूसरा तवा रख लिया है, तो एक मैं यहाँ पे पका लूँगी, क्योंकि ये बैटर ज़्यादा हो गया था ना, तो इसके बन जाएंगे दो भल्ले। तो शरीर बोलते हैं तो अपने गांव की भाषा में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तवे पे रख ली है रोटी, तो इसको तो मैं पलटा लगा लूँगी, इसकी एक साइड जो है तो पक गई है। तो अब इन रोटियों को मैं ऊपर से ऐसे घी लगाऊंगी, और दोनों साइड लगाएंगे उलट पलट करके, और अच्छे से सेकेंगे भी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है फिर हमारी ये रोटी। सोसड़ी बोलो चाहे पत्ता रोटी बोलो चाहे भल्ला कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे हमारी दोनों रोटियाँ सिक गई है, अब मैं गैस को कर लूँगी बंद, और इनको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसी बनी है हमारी ये रोटियाँ। तो जितने को हमारी रोटियाँ ठंडी होगी ना, उतने को मैं अपने पशुओं को अंदर बांध लूँगी। हमारे पशु बंदे हैं अभी बाहर ही, और धूप तो आज है नहीं, पर मक्खियां काटती है पशुओं को ना।
और हरदीप भी आ गया है अभी। तो अभी खाएंगे हम खाना। तो ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको, जो मैंने रोटी बनाई थी, तो ये रही वो रोटी। ये देखिए देखने में मोटी मोटी लग रही है और काली भी लग रही है, पर ये बहुत ही टेस्टी भी होती है और सेहत के लिए अच्छी भी होती है ये। और साथ में बनाई है मैंने रोटी, तो रोटी के साथ खाते हैं हम इसको, मतलब सब्जी की तरह खाते हैं इसको रोटी के साथ में। तो लीजिए सब लोग खा लीजिए, अब हम भी खाएंगे खाना। तो अभी 12:15 बज गए हैं और अब जाके मैंने अपनी बकरियों को छोड़ा है चरने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जा रही है हमारी बकरियाँ, और इनको आज मैं जंगल में ले जा रही हूँ चराने के लिए। और मौसम भी ख़राब है, ये देखिए ऊपर बादल आए हुए हैं, तो जब बारिश लगेगी ना तब तो मैं इनको घर में ले आऊँगी। और मैं भी ओढ़ने के लिए लिफाफा वगैरह लेके आई हूँ, नहीं तो बारिश तो एकदम से लग जाती है आजकल तो। तो अभी यहाँ पे हमारी बकरियाँ चरने लग गई है, और जंगल में ज़्यादा दूर लेके नहीं मैं इनको आई हूँ, घर के नज़दीक में ही है ये। और यहाँ पे पीछे को बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऊपर रोड है, तो सर्दियों में यहाँ पे रोड की रिपेयर हुई थी ना, तो तब से गिरे थे ये पत्थर बड़े बड़े। और इस बार ना पशुओं को चरने के लिए भी जगह यहाँ पे कम बची है, क्योंकि ये जो पत्थर गिरे हैं ना इन्होंने तो कितना एरिया यहाँ पे रोक लिया है। ये देखिए यहाँ पे इनके नीचे कितनी घास होती थी, यहाँ पे चरते थे हमारे पशु, अभी भी चरेंगे बरसात में। पर अभी कुछ काम है घर का ना, धान वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे पशुओं को चरने के लिए, तो वो भी यहाँ पे चरेंगे। और इनको ना फाट में चरने की आदत है, तो यहाँ पे तो ये चर ही नहीं रही है ढंग से। ये तो ये बढ़िया बढ़िया घास ढूंढ रही है जो कि फाट में मिलता था। तो अभी बार ना बारिश गिरने लगी है, अभी तो 1:15 बज गए हैं दिन के। वैसे बारिश तो कब की गिर गई थी, फिर जब तेज़ गिरने लगी तो मैं बकरियों को ले आई और यहाँ पे बांधा है दिन को। यहाँ पे ये जो शेड जैसे बनाया है छोटा सा, पर यहाँ पे सामान भी रखा है तो ना ये पता नहीं सामान को लगाएंगे कहीं फाड़ ना दे। यहाँ पे तुरपाल वगैरह भी रखा है, टोका ढका है यहाँ पे तुरपाल से। तो ये भीगी थी ना थोड़ी सी, तो मैंने इनको तब यहाँ पे बाहर ही बांधा। मैंने बोला कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये सूख भी जाएगी, नहीं तो अंदर ना कीचड़ पड़ेगा फिर। तो अभी मौसम फिर से साफ़ हो गया है, धूप भी लग गई है, और अब मैं आई हूँ खेतों में, तो यहाँ पे मुझे काटना है घास। और यहाँ पे हमने दालें भी दी थी ना, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज। तो दालें तो हमारी उग गई है, पर साथ साथ में घास भी उग गया है, और हमने दवाई स्प्रे की थी ना तभी घास उग गया, तो पता नहीं दवाई कम रहेगी क्या हुआ, समझ नहीं आई मुझे भी। ये देखिए ये रही यहाँ पे दालें हमारी, और बीच में घास भी उग गया है। ये देखिए यहाँ पे बीच में, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पत्ते वाला घास है। ये देखिए काफ़ी घास उग गई है यहाँ पे, अब ये घास निकालने की तो बड़ी मुश्किल होगी। और दालें भी हमने यहाँ पे ना 3-4 खेतों में बीज ली है, पर अगर ये जो घास देखा ना मैंने ये बड़ा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा फिर ये घास निकालना हमें। और साथ में हमने यहाँ पे कोदरा लगाया है 2 खेतों में, वहाँ पे पीछे भी दिख रहा है इसमें भी कोदरा लगाया है हमने। और इस तरफ को है एक खेत हमारा, तो यहाँ पे भी कोदरा लगा लिया है हमने, और 2 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए, और पहली बार ही लगाया है ये भी इस बार। कितनी उपज होगी जब ये उगेगा ना अच्छे से, जब इसकी फसल तैयार होगी तभी पता चलेगा उपज का। तो ये देखिए ये रहा यहाँ पे हमारा कोदरा, और हमने ना 3-3 4-4 डाली लगा ली है एक जगह इकट्ठी। कोई कोई तो बारीक भी था, उसकी तो पता नहीं 4-5-5 डाली लग गई है, पता नहीं घना लगा है कि कैसा लगा है, पर लगा लिया है ऐसे ही। तो अब काट लेती हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा घास, और आजकल घास क्या है थोड़ा थोड़ा खिड़क है कहीं पे ना, बाकी पाजा तो काफ़ी है, पर पाजा घास बकरियों के लिए होता है। ये देखिए पीछे को है, ये तो पाजे का पेड़ है, लेकिन खिड़क तो अभी ख़त्म ही हो गया है, पर कहीं कहीं छोड़ा है थोड़ा थोड़ा ना, तो उसको निकालूंगी अभी मैं। तो यहाँ पे मैंने घास काट करके रख लिया है, गट्ठर बांध करके रख लिया है इसको, और हरदीप आ गया है अभी इसको ले जाने के लिए। ये बूट कोई नहीं दो रुपये देना, अभी फिर से बांध लिया है पशुओं को बाहर हमने, और जो घास लाया है ना अभी काट करके वो डाला है इनको। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और धुआं भी डाल दिया है पीछे इनको, क्योंकि मक्खियाँ होती है ना शाम के 7 बजे तक, तो इतनी मक्खियाँ होती है ना यहाँ पे, और बड़े बड़े नाक होते हैं उनको, वो होते हैं आजकल बड़े साइज़ की मक्खी, नाखी बोलते हैं हम तो उनको, वो तो इतने खतरनाक होते हैं ना। और हरदीप आया है अभी यहाँ पर इनकी मक्खियाँ मारने को, और धुआँ उड़ रहा है पीछे को, तो ये धुआँ भी पशुओं की तरफ भगा रहा है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है,
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।